हम लोग भी थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं। अगर वो खेल खेल करना चाहते हैं तो हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं। मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, इसलिए खेल तो होगा। तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हम लोग, जोड़ने में विश्वास रखते हैं। और अगर कोई जुड़ते हैं हमसे तो हम उनको मना क्यों करें? वहाँ भी तो कम ही है ना, अगर 16 गए हैं तो कम ही है। इसलिए ये भी सोचिए कि बाकी जो नहीं गए हैं कहाँ हैं। बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। क्या कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं? क्या फ्लोर टेस्ट में वह एनडीए का साथ देंगे? क्या कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है और क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि मंत्री सुमित सिंह ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है उसके बाद तो यह साफ हो गया है कि कांग्रेस के विधायक अब एनडीए के साथ जल्द ही आने वाले हैं। दरअसल सुमित सिंह अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे, उसी के दरमियान उन्होंने एक बड़ा दावा किया और कहा कि अगर कांग्रेस के लोग हमारे साथ आना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो हम उसे मना क्यों करें। साथ ही उन्होंने एक और बड़ी बात कह डाली कि हम भी माहिर खिलाड़ी हैं, खेला करने हमें भी आता है और खेला तो होगा ही। अब सुमित सिंह के इस बयान को आप कैसे देखेंगे? जाहिर सी बात है कि इस बयान के बाद कांग्रेस खेमे की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इतनी बड़ी बात सुमित सिंह ने जो कह डाली है और 12 तारीख को एनडीए को अपना भी बहुमत भी साबित करना है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुमित सिंह के बयान के बाद से यह तो साफ समझ आ रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वो अपना समर्थन एनडीए को देने वाले हैं। तो पहले एक बार आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं सुमित सिंह। 12 तारीख को आप लोग बहुमत साबित करेंगे, लेकिन उसके पहले कांग्रेस के विधायक बिहार छोड़ दिए हैं और वो लोग हैदराबाद पहुंच गए हैं। कांग्रेस के विधायक से हम लोगों को क्या लेना देना? कांग्रेस के विधायक से हम लोगों को क्या लेना देना? हम लोग अपने विधायकों को जानते हैं, एनडीए गठबंधन के लोग हम लोग अपने विधायकों से मतलब रखते हैं। और वहाँ भी तो कम ही है ना, अगर 16 गए हैं तो कम ही है। इसलिए ये भी सोचिए कि बाकी जो नहीं गए हैं कहाँ हैं। डर इस बात की है कि आप लोग या भाजपा मिलकर के कांग्रेस में कांग्रेस पार्टी को तोड़ सकते हैं? देखिए, हम लोग तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग जोड़ने में विश्वास रखते हैं। और अगर कोई जुड़ते हैं हमसे तो हम उनको मना क्यों करें? तो मतलब आप मानते हैं, आपने अभी कहा कि 3 विधायक नहीं है तो वो जाने हैं, आगे 3 में से अगर आगे संख्या 5-6 तक बढ़ती है तो आगे भी जिम्मेदार वो लोग ही होंगे? स्वाभाविक है कि उनके विधायक उनसे अगर संतुष्ट नहीं होंगे तभी ना इधर उधर कहीं गए होंगे। आरोप तो आपको भी लगेगा ना, क्योंकि आप भी जेडीयू को ही समर्थन दे रहे हैं, तो आप लोग भी उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं? हम पे क्या आरोप लगना, हम तो पहले से ही समर्थन दिए हुए हैं, हम पूर्व से ही अपना समर्थन जेडीयू को दिए हुए। तो आप आए हैं और लेके आएंगे, जैसी बात होगी जैसी पॉलिसी होगी। देखिए, राजनीति में बहुत कुछ होता रहता है, चलता रहता है। एक सवाल और है कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अब खेल होगा, लगता है कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कुछ खेल हो सकता है या फिर कुछ आप लोग के यहाँ कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति हो सकती है? हम लोग भी थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं, अगर वो खेल खेल करना चाहते हैं तो हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं, थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं। और मुझे देख के भी आपको लगता रहा होगा कि मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, इसलिए खेल तो होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सुमित सिंह ने। दरअसल बिहार में जब से एनडीए की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। जब विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि सुमित सिंह को कोई मलाईदार विभाग देना है। इसको लेकर एनडीए में कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, मांझी हो या फिर चिराग पासवान, दोनों ने इस बात का विरोध जताया कि निर्दलीय विधायक पर आखिर सरकार इतना भरोसा क्यों जता रही। हालांकि जब विभागों का बंटवारा हुआ तो सुमित सिंह को उनका पुराना ही विभाग सौंप दिया गया, लेकिन उसके बाद से इस बात की चर्चा चलने लगी कि सुमित सिंह कहीं ना कहीं इस विभाग से खुश नहीं है। लेकिन अब मंत्री सुमित सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि फिर से मुझे यह विभाग मिला। वहीं कांग्रेस की तरफ से विधायकों को हैदराबाद भेजा गया है, इसको लेकर भी उन्होंने कांग्रेस और राजद दोनों पर जोरदार हमला बोला। उनका कहना है कि कांग्रेस के विधायकों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हम लोग तोड़ने में विश्वास नहीं जोड़ने में विश्वास रखते हैं, अगर कोई हमसे जोड़ना चाहता है तो हम लोग उन्हें मना क्यों करें। वहीं तेजस्वी के खेला होने के बयान पर सुमित सिंह ने जवाब दिया है कि हम लोग भी थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं, हम लोग भी खिलाड़ी रहे हैं, मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा हूं, इसलिए खेल तो होगा ही।
अब सुमित सिंह किस खेल के बारे में बात कर रहे हैं यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से यह तो साफ समझ आ रहा है कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं वह शायद एनडीए के साथ आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है और क्या वाकई में बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है? आप अपनी राय को कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।